गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में पढ़ा था और जूल थॉमसन कोफिशिएंट देखा था। जूल थॉमसन कोफिशिएंट में हमने आइडियल केस के लिए बताया था कि आइडियल केस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान क्या होता है, जीरो होता है, जिसे हमने प्रूव किया था। आज हम बात करेंगे कि रियल केस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान क्या होता है, ठीक है, यानी म्यू ज़ टी रियल केस के लिए हम कैसे निकालेंगे। जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट म्यू ज़ेटी फॉर रियल केस। देखिए, जब रियल केस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वन डबल केस इक्वेशन कब मिलेंगे, ठीक है, जिस तरह से हम आइडियल केस के लिए हम पीवी इक्वल टू एनआरटी काम में लेते हैं, उसी तरह से रियल केस के लिए वन डबल केस इक्वेशन काम में लेते हैं। तो फ्रॉम, पहले बात करूं म्यू ज़ टी, तो म्यू ज़ टी क्या होता है, म्यू ज़ टी इक्वेशन माइनस वन अपॉन सीपी डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये होता है, ठीक है। तो रियल केस के लिए हमें ये वाला क्वेश्चन याद करना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के सापेक्ष एंथैल्पी में क्या चेंज आता है, ठीक है। हालांकि आइडियल केस के लिए ये वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एंथैल्पी आइडियल केस के लिए ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के सापेक्ष अगर एंथैल्पी का वेरिएशन आइडियल केस के लिए देखें तो वो जीरो होता है, इसीलिए म्यू ज़ टी का मान क्या आ जाता है, जीरो आता है, ये हमने प्रूव किया था। लेकिन रियल केस के लिए ये वैल्यू जीरो नहीं होती, तो ये वाली वैल्यू हम निकालेंगे तब भी हम म्यू ज़ टी का मान याद कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम वाटर वाल केस इक्वेशन, फ्रॉम वान डर वाल्स गेस इक्वेशन, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, मान लीजिए एन मोल गेस दी हमने, इंटू करिए पीवी माइनस पीवी प्लस ए अपॉन वी, ए अपॉन वी स्क्वायर वी से इंटू होगा तो वी बच जाएगा नीचे, माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी। देखिए ए और बी क्या है, वान डर वाल्स कॉन्स्टेंट है और इनका वैल्यू बहुत ही कम होता है, तो a अपॉन वी यानी ए बी अपॉन वी स्क्वायर इसको हम लगभग नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को लिखूंगी पी वी माइनस पी वी प्लस ए अपॉन वी इक्वल टू आर टी, ठीक है। डिवाइड द इक्वेशन, बाई पी यानी प्रेशर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वी माइनस बी प्लस ए अपॉन पी वी इक्वल टू आर टी अपॉन पी, ये आएगा। म्यू ज़ टी मैं इधर लिख देती हूँ, म्यू ज़ टी चलो लास्ट में लिख लू, वी माइनस बी प्लस ए अपॉन पी वी इक्वल टू आर टी अपॉन पी, पी वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर टी। सो v माइनस बी प्लस ए अपॉन पी वी की जगह क्या आ जाएगा, आर टी, आर टी इक्वल टू आर टी अपॉन पी। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है v इक्वल टू, अगर हम लिखें तो v इक्वल टू आर टी अपॉन पी माइनस ए अपॉन आर टी प्लस बी, ये दोनों पोर्शन में इधर ले आए, डिफरेंशिएट द अबोव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो क्या आएगा, डेल बी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू आर अपॉन पी आ गया, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन होगा, प्लस ए अपॉन आर, वन बाय टी का डिफरेंशिएशन यानी
माइनस वन अपॉन टी, वन बाय टी का अगर डिफरेंशिएशन हम देखें तो क्या आएगा, वन अपॉन टी को क्या लिख सकते हो, टी की पावर माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो माइनस वन इंटू टी, माइनस वन माइनस वन यानी माइनस टी की पावर माइनस टू आएगा। ठीक है, ये वाला जो माइनस है और ये वाला माइनस है दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो प्लस टी की पावर माइनस टू, जिसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन टी स्क्वायर, तो ए अपॉन आर और नीचे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, और बी वैसे ही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अब देखिए ये जो वाली जो इक्वेशन है, मान लीजिए इक्वेशन सेकंड है, इस इक्वेशन में आर अपॉन पी की वैल्यू पुट करनी है, तो आर अपॉन पी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में आर अपॉन पी की वैल्यू लेने के लिए इस इक्वेशन को टी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट बाय टेम्परेचर, तो क्या लिखेंगे, V माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर इक्वल टू आर अपॉन पी। ठीक है, तो ये आर अपॉन पी की जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में रखेंगे, यानी हम लिख सकते हैं डेल वी उफ द वैल्यू ऑफ आर अपॉन पी इन इक्वेशन सेकेंड, तो डेल बी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर, आर अपॉन पी की वैल्यू आ गई है, अब प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर, तो लिखेंगे डेल बी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू वी माइनस डी टी ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ए अपॉन आर टी स्क्वायर इसे हम क्या लिखेंगे, टू ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें से वन अपॉन टी कॉमन आ जाएगा, डेल बी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी वन अपॉन टी वी माइनस बी प्लस टू ए अपॉन आर बी, टी को इधर ले आइए, टी डेल वी डेल टी पी इक्वल टू वी माइनस बी प्लस टू ए अपॉन आर टी। टी डेल बी अपॉन डेल टी पी, वी को इधर ले आइए माइनस वी इक्वल टू हम लिखेंगे ये जो रिमेनिंग है उसको लिखेंगे टू ए अपॉन आर टी माइनस बी, मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। देखिए इस इक्वेशन में ये जो वाला ये पोर्शन जो है वो थर्मोडायनेमिक पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है वो वैन डर वाल गेज इक्वेशन का पोर्शन है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हम ज्ञात करेंगे, we know that h is enthalpy is the product of internal energy and dab ayatan gunanfal, differentiate kare to dh is equal to de plus p dv plus v dp, from first law of thermodynamics dq equal to kya hota hai de plus p dv, तो डीई प्लस पीडीवी डी प्लस पीडीवी, सो डीएच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डी क्यू प्लस वी डी पी, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डीएस इक्वल टू हम लिखते हैं डी क्यू अपॉन टी रिवर्सिबल सिस्टम के लिए, सो डी क्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं टीडीएस लिख सकते हैं, तो डी क्यू इज इक्वल टू टीडीएस होता है, तो डी क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे टीडीएस लिखेंगे, सो डीएच इज इक्वल टू होगा टीडीएस प्लस वी डी पी,
और हम VDP इक्वल टू अगर हम लिखें तो VDP इक्वल टू होगा DH माइनस TDS। VDP इक्वल टू DH माइनस TDS, इसको इस इक्वेशन को प्रेशर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा V इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टी माइनस टी डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। इस इक्वेशन को मैंने प्रेशर के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया है तो V रह गया यहाँ पे डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस टी डेल एस अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए ये वाले टर्म हम याद करेंगे तो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन देखिए हम थर्मोडायनेमिक्स में चार मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ते हैं, चार तरह की मैक्सवेल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, उनसे ये वाले टर्म हम याद करेंगे। देखिए मैक्सवेल इक्वेशन एक लिखते हैं डीजी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। इस मैक्सवेल इक्वेशन से मैक्सवेल रिलेशन लिखा जाता है माइनस डेल एस अपॉन डेल वी डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है तो ये वाली जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है तो ये वाली वैल्यू हम यहां रख सकते हैं। ठीक है सो वी इक्वल टू होगा डेल एच अपॉन डेल पी टी। देखिए ये वैल्यू माइनस में है, यहां माइनस वाला साइन है, ये माइनस वाला साइन है, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस टी डेल एस डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी। यानी इस वाली वैल्यू की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। जब ये वाली वैल्यू यहां पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी। यानी कि मैं लिख सकती हूँ डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये इधर आ गया तो ये माइनस हो गया, इक्वल टू पी डेल बी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी माइनस वी। ये वी इधर चला गया और ये वाला पोर्शन इधर ले लिया मैं। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये इसके इक्वल है। ठीक है तो इसका मतलब है ये और ये आपस में क्या हो सकते हैं इक्वल हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये इक्वेशन क्या है फोर है। कंपेरिजन बिटवीन इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर तो हम लिख सकते हैं यानी इस वाली वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं ये वाले टर्म लिख सकते हैं डेल एच अपॉन डेल पी टी माइनस इक्वल टू होगा टू ए अपॉन आर टी माइनस बी। ठीक है वी नो दैट म्यूजेटी क्या होता है म्यूजेटी इज इक्वल टू होता है माइनस वन अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। तो इस वैल्यू का मान यहां से रखेंगे तो म्यूजेटी क्या आ जाएगा अपने पास म्यूजेटी इक्वल टू होगा माइनस वन अपॉन सी पी। अब देखिए यहां पे देखिए डेल एच अपॉन डेल पी टी का वैल्यू ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है यानी डेल एच अपॉन डेल टी की वैल्यू अगर हम रखेंगे ये तो ये नेगेटिव वैल्यू रखेंगे ये वाला जो नेगेटिव ये वाला नेगेटिव जो आएगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो वन अपॉन सी पी चलो लिख ही देती हूँ वन अपॉन सी पी माइनस माइनस इस वैल्यू को रखेंगे तो ये माइनस इधर आएगा टू ए अपॉन आर टी माइनस बी। तो म्यू जेड टी इक्वल टू हो गया वन अपॉन सी पी टू ए अपॉन आर टी ये वाला माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा टू ए अपॉन आर टी माइनस बी।
ये क्या आ गया रियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट आ गया, ठीक है। यानी रियल गैस के लिए म्यू जेड टी का मान कैसे निकालेंगे, 1 upon Cp 2A upon RT minus V, इस सिचुएशन से निकालेंगे फॉर रियल गैस। देखिए इस इक्वेशन में देखिए कि अगर 2A upon RT का मान V के इक्वल होता है तो म्यू जेड टी क्या होगा, जीरो होगा। और अगर 2A upon RT का मान V से ज्यादा आता है तो म्यू जेड टी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 2A upon RT का मान अगर V से कम होता है तो म्यू जेड टी का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। म्यू जेड टी का मान जीरो है, इसका मतलब रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू जेड टी किस पर डिपेंड कर रहा है, ए और बी ये सब तो कांस्टेंट है, म्यू जेड टी का मान किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। म्यू जेड टी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ गैस, यानी कि अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो म्यू जेड टी की वैल्यू चेंज होगी। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर म्यू जेड टी का मान जीरो होता है, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर 2A upon RT इस वैल्यू का मान व्हाटएवर कांस्टेंट बी के इक्वल होता है, उस टेम्परेचर को इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं, जिसे TI से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इन्वर्जन टेम्परेचर पे क्या होगा, 2A upon RT का मान क्या होगा, बी के इक्वल होगा, जिसकी वजह से म्यू जेड टी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो TI इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ 2A upon RT या फिर लिखू बी। तो इन्वर्जन टेम्परेचर पर सभी रियल गैसेस जो होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, और इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर ये जो धनात्मक जूल थॉमसन इफेक्ट शो करती है, यानी कि शीतलन प्रभाव शो करती है, और इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पर ऋणात्मक जूल थॉमसन इफेक्ट शो करती है, ठीक है। यानी म्यू जेड टी का मान क्या आता है, नेगेटिव आता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो है वो जूल थॉमसन इफेक्ट को शो नहीं करती, यानी जूल थॉमसन इफेक्ट को या फिर मैं कहूँ कूलिंग इफेक्ट को शो नहीं करती। ये गैसेज जो होती है वो हीटिंग इफेक्ट को शो करती है, और -80 डिग्री सेल्सियस और -240 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या है, जूल थॉमसन इफेक्ट को शो करती है, यानी बहुत ही लो टेम्परेचर पर जूल थॉमसन इफेक्ट को शो करती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए क्या है, एक तरह से एक्सेप्शन है, बाकी रियल गैसें सारी जो है वो जूल थॉमसन इफेक्ट को शो करती है, ठीक है। देखिए एक हम बोल टेम्परेचर भी पढ़ते हैं, PB, ये जो बोल टेम्परेचर जो होता है वो TI जो होता है वो 2 TB के इक्वल होता है, यानी कि हम कहूँ मैं ये कहूँ कि TB जो बॉयल टेम्परेचर है वो क्या होगा, A upon RT के इक्वल होगा। इन्वर्जन टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर का लगभग क्या होता है, डबल होता है। तो ये था जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर रियल गैस, यानी इस इक्वेशन के हेल्प से हम रियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान ज्ञात करते हैं, जबकि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान क्या होता है, जीरो होता है, जिसे मैंने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।